my No, God! No, God, please, no! No! सो हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भाइयों का आप ही अपने छोटे से यूट्यूब चैनल गेमिंग एरिया के अंदर। तो जस्ट अभी 41 मिनट पहले एक न्यूज निकल कर आई है जिसने भाई मेरे को इतना टैग किया है ना इंस्टाग्राम पे, गाइस मैं मान नहीं सकता। जी हां दोस्तों, पहली बार मेरे को आप लोगों ने यहाँ पे इतना टैग किया इस चीज के रिगार्डिंग। जी हां दोस्तों, बेसिकली यार यहाँ पे एक न्यूज निकल कर आई है जेमवायर जीजी की तरफ से, जहां पे दोस्तों ऐसे बताया जा रहा है कि भाई अभी हमारे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को रोकने के लिए जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, पूरी न्यूज क्या है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आप लोगों को पूरी जो चीजें चल रही है मार्केट में, पूरी जो कंट्रोवर्सी होने वाली है या फिर दोस्तों हो चुकी है उसके बारे में आप लोगों को यहां पे जानकारी मिल जाए। सबसे पहले काम करो, अगर चैनल बनाया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, बिकॉज आप लोगों के पास कोई भी न्यूज आएगी ना तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे दे सकते हो, काफी आसान होता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज क्या निकल कर रही है एंड आप लोगों के लिए जाना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे एक जेजी जेमवायर का एक पोस्ट आया है, ठीक है, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ आ रहा है कि इंडियन पॉलिटिशियन कॉल फॉर ए बैन ऑन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। ठीक है, बेसिकली इसका हिंदी मतलब यहाँ पे ये होता है किसी इंडियन पॉलिटिशियन ने यहाँ पे लाइक कॉल किया है बैन करने के लिए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे एक लेटर लिखा है कि भाई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन कर दो वापस से, जो अभी तक आया भी नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो सीन क्या है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि जो निनोंग ईरिंग फ्रॉम यूनियन मिनिस्टर एंड करंट पासीगत, बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के जो एमएलए हैं उन्होंने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को बैन करने के लिए। उनका यह सोचना यहाँ पे ये है कि एक जस्ट एक इल्यूजन है वापस से पबजी मोबाइल को इंडिया में लेकर आने का। ठीक है, एंड उन्होंने यहाँ पे लेटर के अंदर ये भी लिखा है कि जब टेंसेंट के 15.5% जो है क्राफ्टन के पास हैं तो हमारा गेम जो है इंडिया के अंदर यहाँ पे कैसे लॉन्च होता है, यानी दोस्तों बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो यहाँ पे कैसे लॉन्च होता है, बिकॉज बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो यहाँ पे क्राफ्टन कंपनी ने बनाया है, क्राफ्टन कंपनी के पास यहाँ पे 15.5% जो है टेंसेंट कंपनी के शेयर हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा कि द गेम इज इनिशियली, उन्होंने लिखा कि भाई गेम को यहाँ पे 2 सितंबर को यहाँ पे बैन कर दिया गया था गवर्नमेंट ने, बिकॉज आप लोगों को पता है गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है, हमारी जो प्राइवेसी होती है उसको लेकर बैन किया गया था, तो बिल्कुल परफेक्ट सी बात है। ठीक है भाई, मैं तो उसके साथ 100% सहमत हूँ, बिकॉज प्राइवेसी जो यहाँ पे लीक हो सकती थी इसलिए यहाँ पे बैन किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता है उसके बाद यहाँ पे ये सीन हुआ था कि जो ग्राफ्टन कंपनी है उन्होंने यहाँ पे जो है इंडिया के लिए पर्सनली टेंसेंट से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो भी चीज बन रही थी इंडिया के लिए उसमें टेंसेंट का हाथ जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, एंड गाइस जो उन्होंने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने यहाँ पे एक चीज और नोट आउट किया जहाँ पे दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ऐसा लिखा है कि उनको जो है लाइक ग्राफ्टन कंपनी को जो है पहले परमिशन लेनी चाहिए थी इंडियन गवर्नमेंट से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, आई थिंक सो गाइस, मेरे को लगता है कि उनको ऐसा मालूम नहीं है इस चीज के बारे में कि परमिशन जो है ऑलरेडी मिल चुकी है, तभी दोस्तों इतना बड़ा गेम बनाया गया, तभी दोस्तों इतना बड़ा स्पोर्ट्स के लिए पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो गाइस कि उनको इस चीज के बारे में पता होगा, तभी दोस्तों वो जो चीज यहाँ पे नोट आउट की गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जेमवायर जीजी ने भी यहाँ पे इस चीज को कंफर्म किया है कि भाई द कंपनी यानी दोस्तों क्राफ्टन है, ही ऑल्सो रिट्रीटेड मल्टीपल टाइम्स दैट द डाटा हैज बीन स्टोर्ड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट अजोर एंड इट विल बी स्टोर्ड इन सर्वर लोकेटेड इंडिया एंड सिंगापुर। जैसे कि आप लोगों को पता है क्राफ्टन कंपनी जो है बार बार इस चीज को रिट्रीट मतलब दोहरा रही है कि जो आपका डाटा है लाइक इंडियन जो हमारे इंडियन मीडिया है, हमारे जो इंडियन पीपल्स हैं उनका डाटा जो है माइक्रोसॉफ्ट अजोर के जरिए सिंगापुर एंड इंडिया के अंदर यहाँ पे रिस्टोर होने वाला है। ठीक है, एंड गाइस इस ट्वीट को देखने के बाद जो घातक भैया उन्होंने भी अपना ओपिनियन जो अपने खुद की इंस्टाग्राम स्टोरी पर रखा, बेसिकली उन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि भाई आई रिक्वेस्ट ऑल द इंस्टाग्राम न्यूज पेजेस इग्नोर ऑल द नेगेटिव पीपल हु डोंट वांट ईस्पोर्ट टू ग्रो इन इंडिया। वो उनका काम कर रहे हैं और हम हमारा काम करेंगे, हमारा काम सिर्फ ये की है लाइक वी हैव ओनली वन डायरेक्शन, कुछ भी करके ई स्पोर्ट्स को नई हाइट्स पर लेके जाना है, और हमारे काम में बहुत लोग उंगली करेंगे, उनको इग्नोर करना है, जितना हम उनको वैल्यू देंगे ऑब्वियसली बात है वो हम लोगों को यहाँ पे उतनी ही उंगली करेंगे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे ये भी लिखा, यहाँ पे कोविड का इतना सीन चल रहा है उस पर ग्राउंड वर्क करना तो दूर की बात है, साला एसी में बैठकर लोगों को ट्वीट करना है और ऐसी चीज पर ट्वीट करना है जिसका दूर दूर तक कुछ पता नहीं होता इनको। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों यार घातक भाई ने अपना ओपिनियन यहाँ पे दे दिया है, एंड ऑब्वियसली बात है दोस्तों यार मैं इनके ओपिनियन से यहाँ पे 100% सहमत हूँ, बिकॉज इंडिया के अंदर यहाँ पे इतनी बड़ी चीज यहाँ पे कोविड चल रही है, एंड इनको छोड़कर दोस्तों जो हमारे बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो अभी तक आया भी नहीं है जस्ट एक गेम है उसके बीच में उंगली करना तो इसका कोई तुक यहाँ पे बैठता नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के ऊपर आप लोगों क्या ओपिनियन है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, एंड गाइस इन सभी चीजों को इग्नोर कर दो, हमारा गेम 100% हम लोग को यहाँ पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा एंड कुछ ही दिनों में हम लोग को यहाँ पे गेम जो है देखने को मिलने वाला है, तो क्या टेंशन मत लेना बिल्कुल भी यहाँ पे। होपफुली आप लोगों के लिए जो वीडियो है काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना प्लीज मेक श्योर वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर।